इंडिया महागठबंधन की बैठक है, 31 तारीख है और पहले ही पूरी मीटिंग का प्लान जो है, एजेंडा जो है वो लीक हो गया है। मैं आपको इसमें बता दूं, ना तो इसमें संयोजक है, ना इसमें पीएम चेहरे का ऐलान होने वाला है और ना ही इसमें सीट फॉर्मूले की बात होने वाली है। ये देखिए प्रपोज्ड एजेंडा आपके सामने है। पहला है सजेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ लोगो, मतलब इंडिया गठबंधन का लोगो आज डिसाइड हो जाएगा। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडिया, जिसमें सब पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनेगी, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सेक्रेटरिएट बनेगा, रिसर्च विंग के लिए एक अलग कमेटी बनेगी, स्पोक्स पर्सन डिसाइड किए जाएंगे 5 से 10, मीडिया एंड सोशल मीडिया टीम्स बनेंगी, कमिटी फॉर नेशनल एजेंडा। फिर तीसरा इसमें आता है कॉमन कैंपेन इश्यूज पे बात की जाएगी और चौथा है जॉइंट एक्शन शेड्यूल। इतने दिनों से अफवाहें चल रही थी या कह दो रूमर्स चल रहे थे कि पीएम चेहरे पे फैसला हो जाएगा, संयोजक चुन लिया जाएगा, चेयरपर्सन चुन लिया जाएगा, सीट फॉर्मूले पर बात होगी, लेकिन जो ये प्रपोज्ड एजेंडा आया है इसमें से इस पे किसी पे भी बात नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस शेड्यूल मेरे हाथ में है। आप इसमें देखिए कि 30 अगस्त को MVA प्रेस कॉन्फ्रेंस, 31 अगस्त को वेलकमिंग डेलीगेट्स, 31 अगस्त 6:30 बजे इन्फॉर्मिंग मीटिंग, 31 अगस्त 8 बजे डिनर मीट होस्टेड बाय श्री उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर मॉर्निंग 10:15 AM डेलीग्रेट्स ग्रुप फोटो सेशन, 1 सितंबर 10:30 to 2 PM इंडिया लोगो अनवीलिंग एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस, फिर 1 सितंबर आफ्टरनून 2 PM डेलीगेट्स लंच होस्टेड बाय MPCC एंड MRCG, फिर आफ्टरनून 3:30 PM इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो 1 सितंबर को है होटल से लेकर कांग्रेस पार्टी दफ्तर तक एक लंबा रोड शो करेंगे, उसमें सोनिया गांधी भी प्रेजेंट रहेगी और आज 31 अगस्त को राहुल गांधी 5 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितने भी तमाम फैसले हैं या कुछ भी जो उनको कहना है वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था इंडिया का पूरा प्लान जो लीक हो गया है और 4 पॉइंट में इस पर बात हुई है। इसमें संयोजक पीएम चेहरा और सीट फॉर्मूला कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।